नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप यहाँ पे बुनाई का काम करते हो ना, शॉल वगैरह की? थोड़ा सा हम देखें अंदर कैसे कैसे बनाते हैं। आप ये डिजाइन बहुत सुंदर है आंटी, क्या बोलते हैं इस डिजाइन को? इस स्टॉल बना रहे। अच्छा अच्छा, सिंगल है, ट्रिटी वाला है। अच्छा, 6 दिन के साथ। अच्छा, किसी ने ऑर्डर दिया होगा ना ये आपको? मेरा। अच्छा, ले लो। ठीक है ना ये? हाँ, बहुत सुंदर है। डिजाइन मम्मी ने भेजा था। हाँ, बहुत सुंदर है। हाँ। अच्छा, ये 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा ना? होने को थोड़ा था काम। हाँ, कोई बात। हाँ, बिजी होंगे। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से बना लेना। बहुत सुंदर बनाया है ये तो, डिजाइन बहुत सुंदर है इसका। हाँ, जब बन जाएगा तब आप बता देना। ठीक है। इस शॉल का क्या प्राइस ले रहे हैं आपसे बेबी? ये 1500 है फिलहाल तो। अच्छा, बुनाई का 1500? बुनाई धागा खुद देते हैं। अच्छा, दिया हुआ है सिर्फ बुनाई का ही 1500 का। अच्छा, डिजाइन के हिसाब से लेते हैं ना। अच्छा, डिजाइन देखो इसमें बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। अच्छा, हाँ, 6 स्तन भी लगाया हुआ है इसमें। अच्छा, बॉर्डर होगा तो फिर। अच्छा, महंगा होता है बॉर्डर के हिसाब से। हाँ, ये मेरे लिए, मेरे को सिंपल चाहिए था तभी मैंने सिंपल बनाने दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अंगूरा लगा के बहुत सुंदर आ रहा है ना। हाँ, आराम से बना लेना। ठीक है। किन्नौर की शॉल वगैरह यहीं बनाते हो ना हम लोग? क्या क्या बनाते हो आप? दोड़ू, शॉल, पट्टू। अच्छा, आप ऑर्डर लेते होंगे जो मार्केट में शॉप से, वहां से? अच्छा, तो ये पूरी मशीन है आपकी? हाँ जी। आंटी, जो आप बना रहे हो, क्या बना रहे हो? ये लिंक से, जो शादी में दुल्हन पहनते हैं। अच्छा, दुल्हन नेचुरल, बच्चे भी फंक्शन में पहनते। अच्छा, इस मशीन, ये मशीन यहाँ पे किन्नौर में बनती है? अपने हाथों से बनाया हुआ है। आपने खुद बनाई है मशीन? अच्छा, खुद बनाएंगे, घर से बनाएंगे। अच्छा, इसको लिंक से बोलते हैं जो आप बना रहे हो? हाँ। और यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ये दौड़ हुए। अच्छा आंटी, अब हम खुद बड़ा मशीन दिखाने ले जा रहे हो ना? ठीक है। ये वाली मशीन कौन सी है? ये ताना लगाने की। इसमें क्या करते हैं? इसमें धागा को फंसा के लपेटते, शॉल बनाने को, दो बनाने को। अच्छा अच्छा, पट्टी के लिए। अच्छा, ये भी उस बनाने के लिए किसी एक चीज के लिए इसमें जाएगा ना? सबसे पहले इसमें जाता है? हाँ, पहले इसमें जाएगा। अच्छा, पहले उसके बाद उस वाली मशीन उसमें लपेटते फिर। आगे तेरे को तो आज ले जाएंगे फिर ना। आंटी, सारे सब थोड़ा साइड हो जाओ। क्या बना रहे हो आप? ये दोड़ू बना रही हूँ। अच्छा, ये वाली दूसरी मशीन है जो नीचे थी वो? नहीं, वो लोकल है। अच्छा, इसमें दोड़ू का डिजाइन बना रहे हो आप? हाँ हाँ, डिजाइन बना रहे। फिर आप काम रूम में, जैसे आपने ये अपनी वो खोली हुई है घर पे ही, घर से ही करते हो अपना ये पूरा बिजनेस? तो प्राइस क्या लेते हो, जैसे अगर एक दोड़ू बनाना हो उसका प्राइस? एक दोड़ू का 7000। अच्छा, एक दोड़ू बनाने का 7000 लेते हो? एक शॉल बनाने का? शॉल बनाने का फिर डिजाइन के हिसाब से। अच्छा, अगर सिंगल वाली जैसे शॉल होती है उसका? एक सिंगल डिजाइन, जैसे ये सिंगल डिजाइन है
जैसे एक सिंगल डिजाइन है उसका 18-19 हजार तक, 1000 के आस पास 1800 का बना लोगे? हाँ अच्छा 1800 का एक शॉप। अच्छा आप जैसे मार्केट में जो शॉप होती है उनसे ऑर्डर लेते होंगे ना, जैसे लोकल लोग भी आपको ऑर्डर देते होंगे? लोकल लोग भी, कोई भी आके यहाँ पे ऑर्डर दे सकता है बनाने के लिए। मटेरियल सबको अपना लाना पड़ेगा? अपना लाना। अच्छा आप सिर्फ बना के दोगे और सिर्फ ये बनाने का प्राइस है, मटेरियल सारा लोगों का होता है? What's up everybody, this is Anjali Negi. I'm really happy to share this video because it is all about Kinnauri traditional clothes. Well, I hail from Kinnaur, Himachal Pradesh, and I am in Kinnaur these days, and you know, I met my friend Kiran Negi. She also has a YouTube channel. I will put all her details in my description box. There is one collab video in her channel as well. So we both met in Rikongpio. We explored the market. There was so much fun, you know, to explore the market. I mean, you know, it was so new for both of us as well. So we first went to clothing shop and then we went to jewelry shop. Yeah, I hope you enjoy watching it. आंटी आप थोड़ा सा बताओगे जो आपने अपने हैंड पे पकड़ा है इसे क्या बोलते हैं? चोली। इसकी वेराइटीज होती है ना डिफरेंट डिफरेंट? आंटी पहन के देखो ना। अच्छा पहन के देखो। चोली बनता किस किस चीज से? मखमल का भी होता है, ऊन का भी होता है। ये आजकल जा रहा है, ये चला हुआ है। ये मखमल नहीं है? लाल नहीं, मखमल है। और इसका प्राइस कितना होता है? क्या इसका रेंज? चोली? हाँ चोली का ये होता है 4500-5000। अच्छा अलग अलग उसमें होता है। ये सूट के साथ भी पहन सकते हैं? सूट के साथ ही पहनते हैं मेहंदी, उसके साथ तो पहनते हैं दोड़ू के साथ। दोड़ू के साथ तो पहनते हैं ना, पर ये जो बनाया हुआ है ना। हाँ जी हाँ जी। तो ये पूरा एक पीस 5000 का है ना? हाँ 4000। अच्छा अच्छा अलग अलग होता है ये, यहीं पे एक लोकल टेलर ही बनाते हैं ना इसको? हाँ जी। और इसे टाइम कितना लेता है बनने में पूरा प्रोसेस? मतलब एक दिन में बनता है, एक चोली बनाते हैं। आपके पास और क्या क्या है आंटी? शॉल है, टोपी भी है। मेरे पास तो टोपी पहन के देखो। इस टोपी का प्राइस क्या होगा? इसमें भी होगा 22 नंबर। अच्छा क्या क्या प्राइस होगा इसका? 450। ये 450 का? हाँ इसमें रेट अलग अलग होता है, कोई 450, कोई 400, कोई 300। देख देख के ना क्वालिटी देख देख के, जैसे ये चोली भी ऐसी है ना, ये भी ऐसी है, किसी कोई डिजाइन। बाकी मेरे पास है गोरू है, मफलर है, फिर ये चेकदार पट्टू है। दोड़ू का थोड़ा सा दिखा के बताते हैं ना, डिजाइन बता दो दोड़ू में अलग अलग होती है आजकल ना, लेटेस्ट कौन सा डिजाइन है? आंटी जो ये दोड़ू है एक क्या प्राइस होता है इसका? इसका भी अलग अलग होता है, ये अंगोरा है ना। अच्छा। अंगोरा में होता है, ये अंगोरा में महंगा होता है थोड़ा। अच्छा आंटी थोड़ा सा दोड़ू का एक्सप्लेन करते हैं ना, 13000। ये डिजाइन जो है आपका ये? हाँ ये एक्सप्लेन करो। ये मतलब कैसे बनते हैं ये? खाड़ी में ही बनाना पड़ता है। अच्छा ये ऊन भी अपना होता है किन्नौरों का? हाँ। जो टेलर होता है वो भी किन्नौर के ही होते हैं? हाँ टेलर भी किन्नौर के ही है। और ये अंगूरा है ना धागा, प्लेन होता है। हाँ जी। और इसका प्राइस क्या होता है? 13000 भी होता है, 13000 देख के। अच्छा अच्छा अंगूरा थोड़ा ज्यादा महंगा होता है। बाकी थोड़ा सा इसको दिखा देती हूँ, जो गचिंग दोड़ू के साथ पहनते हैं। दुल्हन का ही होता है ये? दुल्हन का पट्टू है। हाँ ये सुंदर है। आंटी क्या प्राइस है इसका? इसका ऐसे पहनते हैं? ऐसे नहीं 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 ऐसे दो किला दो जरूरी किला। कैसे पहनते हैं इसको? ऐसे पहनते हैं और यहाँ पे सिल्वर का वो लगता है ना पिन जो लगाएंगे सेफ्टी पिन से, वो सिल्वर का होता है। और इसका प्राइस क्या होता है आंटी? अलग है, 35000 का होता है। 35000 कोई 35000 सुंदर तो बहुत है। इसका डिजाइन मुझे एक गिफ्ट कर दे। कोई नहीं, तेरी शादी का खर्चा इसका। और आंटी इसके अलावा है शॉल? ये वाला डिफरेंट है ना? ये मफलर देखो, ये बॉयज के लिए होता है ना? हाँ। मफलर बॉयज का पहनते हैं, गर्ल्स का पहनते हैं। ये बॉयज पहनते हैं शादियों में। हाँ। और ये गर्ल्स पहनती है विद ज्वेलरी और जो ड्रेस होती है ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की ड्रेस, गोल्ड और सिल्वर की हमारी ज्वेलरी ट्रेडिशनल। ये लिंचे है ना?
ये आंटी पहनते कब है? ये शादियों में तो नहीं पहनते ना? क्या नहीं ये वाला ये ऐसे ही पहन सकते हैं तुम? जब जा रहे हो हम एक एक लेके जाएंगे। और इसका प्राइस कितना है आंटी? इसका प्राइस कितना है? लिंगसे का इसका 18,000, इसका 16,000। ये 16,000 का है और ये 18,000 का है। कितना मिल रहा है आंटी? किनौरी कपड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और किन्नौर में लोग फिर यही पहनना पसंद करते हैं। और कुछ स्पेशल आंटी आपके पास? बस ये व्हाइट में व्हाइट व्हाइट में कितने से ये ब्राइट पहनी थी उसमें ये लिंसे एक मैं डालती हूँ। ये डिफरेंट लिंसे हैं आंटी। और ये हमारी टोपी और यहाँ पे ना सिल्वर कलर का वो लगता है पिन जो हमारे पास है नहीं यहाँ पे। सिल्वर कलर का पिन लगाते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा तो हम कुछ और पहन नहीं सकते। अंदर से हम दोड़ू पहनते हैं जो मैं दिखाया था पहले। और वो जो गाचिंग लगता है ना उसके ऊपर, ये है हमारा फुल ड्रेस। ये टोपी इसके नंबर की कोई बात नहीं। तू पहन के आई क्या? 22 तो मेरे में आता ना आंटी। ये जो लिंच है इसका प्राइस क्या है? 25,000 का है लिंच से। लिंच से मतलब प्राइस इतना महंगा किस वजह से है? ये डिजाइन की वजह से या डिजाइन? कल हमारा जो किन्नौरी ड्रेस ना महंगा ही होता है। अच्छा मेरे पास एक 45,000 का शॉल भी है। अच्छा दिखाओ तो। ये किरण पहन के दिखाएगी। ये हमारे ये भी शादी में पहनते हैं? नहीं ये तो आम भी पहनते। आम पहनते हैं ना ये। आराधना ये वाला सबसे एक्सपेंसिव है। एक पूरा ही है ना इसमें ये शॉल है ना फिर। अच्छा ये शॉल है ये कितने का पड़ेगा? ये 40,000 का। ये 40,000 का है? ये 40,000 का और हाँ इसको हम बास्केट बोलते हैं। और इतना सुंदर है, आप इसको सूट के साथ पहन सकते हैं। आप इसको दोड़ू साड़ी पहनते हैं? नहीं पहनते साग को पहनते हैं फुल स्लीव वाले। ये हाफ स्लीव है तो ये सूट के साथ और टोपी के साथ नॉर्मली लेडीज ऐसे ड्रेसअप होते हैं। इस बास्केट का प्राइस क्या होता है आपने? 2,000 किसका? इस वाले का? हाँ ये दो ऐसा होता है, अलग अलग होता है। कोई 2,500 का भी होता है। अच्छा बाकी एक जो मंगल नहीं लगा होता है ना ये 1,500 का होता है। बड़ी सुंदर बहुत है ये वाला तो मुझे बहुत सुंदर लगा आंटी। ना ये सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। ये विदाउट मखमल वाला है और मखमल वाला प्राइस डिफरेंट डिफरेंट वेरी करेगा। आंटी शॉल की बहुत वैरायटी है ना आपके पास? ब्लैक भी है, ग्रे है, व्हाइट ब्लैक कलर्ड। इसका क्या प्राइस होगा? 8,000 का है। ये 8,000 का है? अच्छा कोई 7,000 का होता है। अच्छा 5,000 का होता है। अच्छा ये जो ब्लैक है ये 7,000 ब्लैक भी है बाहर। दिस शॉल इज ऑफ 56,000 जो कि बहुत ही सुंदर है और ब्लैक शॉल मेरा फेवरेट है। चलो सर क्या है? बकरी खान है। बकरी खान? हाँ किन्नौर का ट्रेडिशनल मतलब फूल समझ लो। टोपी बनता किस चीज से? ये फूल होता है ओरिजिनल होता है ना। अच्छा करेला की तरह होते हैं जो फूल उसको खोलते हैं उसको फिर एक बार खोल के फिर एक एक कट्ठा करके फिर उसको बांध के ना। हाँ जी फिर कलर करते हैं इसको। अच्छा 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 आंटी इसको यूज क्या करते हैं? ऐसे बनाते हैं बना के फूल। ये चीज डालते हैं उसमें? ऐसे डाल के फिर ऐसे पहनते भी है। मतलब इसके बगैर हमारा मतलब किन्नौर का मतलब थोड़ा अधूरा रह जाता है ना। इसके विदाउट हमारा कल्चर मतलब ऐसे भी फूल में फूल लगाना ही पड़ता है। अच्छा फूल लगाना ही पड़ता है इससे ये टोपी पूरी कंप्लीट होती है स्पेशली शादियों में। शादियों में जैसे मंदिर जब जाते हैं। ये वाली चीज क्या है? ये वाली जो है ये चमका चमका ये कहाँ से लाते हैं? ये भी नीचे से ही आता है। अच्छा। ये पेड़ों में वो ये भी पेड़ में होता है। अच्छा। ये पेड़ में होता है। आंटी अपने शॉप का नाम ही बता दो। आंचल हैंडलूम। आंचल हैंडलूम। सो प्लीज आंचल हैंडलूम शॉप में जरूर आइए बिकॉज आंटी का बहुत वैरायटी है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है सब कुछ। चोली टोपी और चोली कपड़े है दुकान ना। अच्छा इनकी दो दुकानें हैं।
और आकाश हैंडलूम है। अच्छा, एक आकाश हैंडलूम है और एक ये वाला और आंचल हैंडलूम। आपके बच्चों के नाम पे है ना ये? हाँ जी। और आप इनके पास चुल्ली का तेल, बैमी का तेल, घी, इनके सारा कुछ मिल जाएगा जो भी किन्नौर में होता है। तो आप प्लीज इनके शॉप में आओ और विजिट करो, एक्सप्लोर करो। सारा मिलेगा, शॉल, चोली, किन्नौरी पट्टू। आप ऑर्डर भी दे सकते हो ना, ऑर्डर भी दे सकते हो ज्यादा क्वांटिटी बनाना हो तो। हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ। अगर जैसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो ऑर्डर भी दे सकते हो। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी बनाना हो तो आप ऑर्डर भी दे सकते हो। तो आप प्लीज इस शॉप को जरूर विजिट करिए, क्योंकि शॉप बहुत अच्छी है और आंटी भी बहुत क्यूट है और बहुत नाइस है। हमको बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा शॉप एक्सप्लोर कराया।